स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। आज मैं बताऊंगा, पल्सर 150 cc बाइक है, इसका साउंड क्वालिटी ख़राब है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पल्सर बाइक में टाइमिंग चेन का तो हम लोगों को क्या करना चाहिए टाइमिंग चेन के कारण, और बाइक का इंजन भी ठीक रहे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा टाइमिंग चेन न्यू लगाऊंगा और इसका जो बैलेंसर सेटिंग है और JVD विनियम का सेटिंग है, टाइमिंग वगैरह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, किस तरह से मैं टाइमिंग रखता हूं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मैकेनिक हो तो हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये है एक्सर बैलेंस और इसका पार्क ठीक से नहीं, अगर आप बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगा। सांस ज़्यादा करेगा अगर टाइट दे देगा, कम अगर टाइट करेगा तो घट घट करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट किस तरह से करें। तो ये उल्टा नहीं हमको लगाना है, इसका सीधा एक माप है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से माप रखें। इसका पोजिशन ये ठीक है, एक दो, दो पे मुझे ही लगाना है, ठीक है। और ये भी पोजीशन एक है, एक नंबर, अभी नंबर नहीं है, एक दो, दो पे मुझे रखना है बस। ये दोनों दो पैच करके रखा और इसका बैलेंसर का जो सेटिंग है ये हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा दो वाशर रहता है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कौन सा साइड पड़ा है, मैंने तो बड़ा वाला जो सेंटर रहता है इसे मैं वाशर भरूंगा और यहाँ रखूँगा। देखो इस बैलेंसर का ये सेटिंग होता है, मैं अगर यहाँ रखेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन बाइक का जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है होगा। तो इसे मैं सेटिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका सेटिंग किस तरह से रखें। यहाँ चैम्बर में मार्किंग है और बैलेंसर में मार्किंग है और JVD पिनी में मार्किंग है और मेन चैम्बर में मार्किंग है। तो इस मार्किंग को आपको ख्याल करना पड़ेगा। और टाइमिंग देखिए, यहाँ ऑटोमेटिक जो लेफ्ट राइट एकदम सेम पोजीशन में है और JVD पिनियम और चैम्बर और बैलेंसर चैम्बर, बस मेरा टाइमिंग बन गया है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊँगा हाउजिंग किस तरह से लगाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हाउजिंग के साथ। तो हाउजिंग किस तरह से हम लोग सेंटर करें, क्लच प्लेट जब हम लगाते हैं, टाइमिंग चेंज जब लगाते हैं तो हाउजिंग चेंज हो जाता है। इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, आप जहाँ मन तहाँ में लगा सकता है, टाइमिंग होता है ये दोनों चीज़ का। तो मैंने टाइमिंग सेटिंग कर दिया है, देखो आहिस्ता आहिस्ता करके अब हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं ठूकेंगे क्योंकि ये टूट जाएगा। अब हम आइडियल को थोड़ा मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ऑटोमेटिक नहीं जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा यहाँ तकलीफ में है। तो बैलेंसर जो है यहाँ भी ठीक है, हाँ अब चला गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा, बस ये सेंटर हो गया है और मेरा टाइमिंग आपको दिखाया JVD PDM का और चैम्बर का और बैलेंसर का, इसी तरह से टाइमिंग बन गया दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमिंग, इस पॉकेट का मार्किंग ये है, JVD PDM का मार्किंग एकदम सीधा सीधी और देखो इसका भी मार्किंग इस तरह से रखा। इस तरह से रखने क्या होता है, बाइक में वाइब्रेशन जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है, उसका रीज़न यही होता है, अगर गलत हम कर देंगे तो वाइब्रेशन प्रॉब्लम होता है और तकलीफ़ होता है। तो इसी तरह बहुत कोई मैकेनिक खोलते हैं और गड़बड़ा जाते हैं और बाइक को सेटिंग नहीं करता है। तो इसका सेटिंग मैंने आपको बताया, अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर करना और इस तरह वीडियो अगर पाना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।